नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। तमिलनाडु के चिदंबरम में श्री थिल्लई नटराज मंदिर के 10 पुजारियों पर मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ हिंदू धार्मिक और धर्मांध बंदोबस्ती विभाग HR&CE के अधिकारियों ने चिदंबरम पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। पुजारियों ने उन्हें कर्तव्य पालन करने से रोका। थिल्लई काली मंदिर की कार्यकारी अधिकारी सरन्या के मुताबिक शनिवार 24 जून को मंदिर जाने के उन्हें प्रतिबंध वाला बोर्ड हटाने से रोका गया था। अधिकारी के मुताबिक यह तमिलनाडु सरकार के आदेश का उल्लंघन था। पुलिस ने पोतु दीक्षित समिति के सचिव शिवराम दीक्षित और 10 अन्य पुजारियों के खिलाफ 5 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों 2 पुजारियों ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद उन पर भी केस दर्ज किया गया है। श्री थिल्लई नटराज मंदिर में पिछले दिनों अणि तिरुमंजनम उत्सव था। मंदिर के वंशानुगत संरक्षक सह अचर पोक्षु पुजारी ने कनका साबाई मंडपम के सामने बोर्ड लगाकर घोषणा की थी कि भक्तों को कुछ दिनों के लिए मंडपम के ऊपर से पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दीक्षितों का कहना था कि त्योहारों के दौरान भक्तों को कनक साबाई मंडपम पर चढ़ने से रोकने की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। जब महिला अधिकारी बोट हटाने गई तो दीक्षितों ने उन्हें घेर लिया और बोट हटाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। कुछ ने उन्हें धक्का भी दिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।